हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष, एंड एक लंबा अंतराल के बाद मैं वापस आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं दोस्तों। सो रिसेंट कुछ शॉर्ट्स में आप देख चुके हैं कि मैं कोलकाता कॉमिक्स कार्निवल इस बार अटेंड किया था। सो इस वीडियो में मैं आप सबके सामने वो सारा कॉमिक्स दिखाने वाला हूं जो कि मैं इस बार के कोलकाता कॉमिक्स कार्निवल 3.0 में खरीदा हूं। एंड हियर दे आर, स्टार्टिंग विथ सम ढाका कॉमिक्स। ढाका यानी कि बांग्लादेश का कैपिटल, यहाँ पर आप उनका लोगो देख सकते हैं दोस्तों। सो उनका ये दो कॉमिक्स वन शॉर्ट स्टोरीज थे एंड द आर्ट वर्क रियली इंट्रिग्ड मी। सो लेट स्टार्ट विथ नील कंठो रोहशो। इसका प्राइस है 300 रुपीज, और चलिए आपको दिखाता हूँ कि अंदर का आर्ट वर्क कैसा है। इट्स अ बिट फंकी, अ बिट कार्टूनिश, बट इट्स वेरी क्लीन एंड अपीलिंग नॉनदलेस। सो दिस इज हाउ द आर्ट वर्क लुक्स लाइक। सो एक कम्प्लीट स्टोरी है, टोटल 68 पेजेस है फॉर अ प्राइस ऑफ ₹300, एज आई जस्ट मेंशन्ड। एंड या दैट इज नीलकंठ रहस्य फॉर यू। नेक्स्ट देर इज दिस ग्राफिक नॉवल कॉल्ड इराबोती, ये भी एक वन शॉट है, इसका प्राइस भी है ₹300, और इसका आर्ट वर्क तो एक लेवल और अप है। कवर आर्ट आप देख सकते हैं, काफी बेहतरीन है एंड इनका क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। सो या दिस इज हाउ द आर्ट वर्क लुक्स लाइक। सो बांग्लादेश इज मेकिंग क्वाइट द प्रोग्रेस इन द कॉमिक बुक इंडस्ट्री एंड दे आर डूइंग अ फेनोमिनल जॉब एट इट। जस्ट लुक एट हाउ गॉर्जियस द आर्ट वर्क एंड कलरिंग इज। इसमें है टोटल 52 पेजेस, ये भी एक कंप्लीट स्टोरी है एज आई जस्ट मेंशन्ड। And yeah, I absolutely loved the artwork in this graphic novel. So Dhaka Comics, you guys are doing an amazing job and keep up the great work. Next, एक Gotham Comics जो मेरे सीरीज से काफ़ी टाइम से मिसिंग था, सो इसको मैं खरीद लिया इस बार। You know, not much big of a deal. ये शायद Marvel in a fantasy world type का एक कहानी था, if I can remember correctly. And now with this issue, I have completed the series and I might just start reading this one. Next, Aloki Comics Shongroho, matlab a collection of supernatural comics. This actually contains a bunch of short horror comics. I mean, bahut sare short horror stories iske andar aapko milega. Dher sare kisam ke artworks milenge, so there is a huge variety. Some are good, some are average, some are below average, and story bhi कुछ डिसेंट है, कुछ नॉट सो गुड। आई मीन इट्स अ मिक्स बैग। इसके अंदर आपको हर प्रकार का और हर लेवल का मसाला मिलेगा। सो इसमें टोटल आपको मिलेगा 72 पेजेस, और इसका प्राइस था 160 रुपीज। एंड मुझे इंटरेस्टिंग लगा, यू नो एज आई टोल्ड देयर आर अ बंच ऑफ स्टोरीज, सम आर ओके, सम आर गुड, सम आर नॉट, बट या देयर इज प्लेंटी ऑफ रीडिंग मटेरियल एंड आई लव्ड इट। नेक्स्ट कैसिनो रॉयल, इसको लेकर थोड़ा बवाल हुआ था बिटवीन बांग्लादेशी क्रिएटर्स एंड आवर कोलकाता कॉमिक्स, एंड बेबुनियाद बवाल था जैसा हम लोग अक्सर कुछ फेसबुक ग्रुप्स में भी देखते हैं अपने इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री में। बट थैंकफुली उन सारे बवाल्स को साइड करके कॉमिक्स वन, एंड हियर इज द पर्टिकुलर इशू कॉल्ड कैसिनो रॉयल। सो ये द डेली एक्सप्रेस नाम का एक न्यूज़पेपर में रिलीज होता था, और उसी का ये बंगाली ट्रांसलेटेड एडिशन है। So let's take a look inside. Black and white में है, so some of you might like it, some of you might not. And at last but not least, Comics Metro, यानी कि अपना कौस्तुभ चौधरी की तरफ से आया है नेवड़ा खालीर बाग, एक कॉमेडी जॉनरा का फनीज वाला कॉमिक्स। तो इसका आर्ट वर्क भी वैसा कार्टून ही है, बट इट्स वेरी क्लीन एंड सुपर क्रिस्प। सो मैं जस्ट ट्राई आउट करने के लिए इसको खरीद लिया, बिकॉज मैं इस किस्म का कॉमिक्स काफ़ी कम पढ़ता हूँ। आई एम मोर इन टू द एडल्ट मैच्योर काइंड ऑफ कंटेंट एंड स्टफ, जहाँ पर एक्शन हो, प्लॉट में डेप्थ हो, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो काफ़ी, एंड यू नो आई डोंट माइंड अ लिटिल बिट ऑफ न्यूडिटी और सेमी न्यूडिटी इफ द प्लॉट डिमांड्स इट। सो उन सबसे थोड़ा हटकर एक लाइट हार्टेड ह्यूमर वाला कॉमिक मुझे पढ़ने का मन किया एंड आई पिक्ड इट अप। सो या दैट्स बेसिकली ऑल द कॉमिक्स दैट आई परचेस्ड from this year's first Kolkata Comics Carnival, which is the third time Kolkata Comics has arranged this. साल में ये दो बार होता है। इस साल का second Kolkata Comics Carnival, which is going to be the fourth one till date,
is going to be organized in the month of November and I'm totally looking forward to attending that one as well. और इस बार के कार्निवल में सिर्फ कॉमिक्स ही नहीं, ये कुछ स्टिकर्स भी मैं खरीदा हूँ फॉर माई सेल्फ एंड फॉर सम ऑफ माई फ्रेंड्स. सो दोस्तों को जो देना था वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये सारे मैं खुद के लिए रखा हूँ. सो दिस इज एरेन फ्रॉम अटैक ऑफ टाइटन, ये चेनसो मैन से है, आई थिंक हर नेम इज पावर. यह है ड्रैकन, यह है माइकी फ्रॉम यू नो टोक्यो रिवेंजर्स, ड्रैगन बॉल जी ऑफकोर्स, ये आई थिंक हर नेम इज मकीमा फ्रॉम चेनसो मैन, चेनसो मैन हिमसेल्फ, अनदर ड्रैगन बॉल जी. और ये आई डोंट नो इफ एनी वन ऑफ यू गाइज हैव वॉच्ड इनियाशा, बचपन में ये आता था, एनिमेक्स नाम का एक चैनल था. सो एनिमेक्स वॉज आवर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू एनिमे बैक वन आई वॉज अ स्कूल गोइंग किड एंड आई लव्ड इनियाशा एंड आई एम वेरी डिजर्टेंट वेन आई सी कि बहुत सारे ओक न्यूबीज है जो आजकल यू नो रिसेंट सारे एनिमे देख रहे हैं बट दे हैव नॉट डेल्व डीपर इन टू द ओजी एनिमे दैट एक्चुअली बिगन द रंबलिंग दैट एक्चुअली स्पीयर हेडेड दिस यू नो मास एक्सेप्टेंस ऑफ एनिमेज एंड मांगाज एंड स्टफ एंड इनियाशा वॉज वन ऑफ देम. फिर ड्रैगन बॉल जी आया, नरूटो आया, कुछ नरूटो का स्टिकर्स भी था हियर एज यू कैन सी देम. अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ बुक मार्क्स भी मिले ड्यूरिंग द परचेज. So yeah, basically that's it. That's Kolkata Comics Carnival for you guys. And बीच में थोड़ा infrequent हो गया था videos. मैं अपना personal life और career में थोड़ा ज़्यादा busy हो गया था. But I'll try to be a bit regular from now on. काफ़ी सारे contents pipeline पे waiting में है. And I'm just trying to, you know, clear out my schedule ताकि मैं इन सबको shoot करके, edit करके आप सबके लिए upload कर पाऊँ. So guys, please bear with me. जाते जाते कर दीजिएगा इस video को like, share और channel को subscribe. मिलता हूँ मैं आप सबसे अगले वीडियो में कुछ और इंडियन कॉमिक्स के साथ. ये थोड़ा ज़्यादा बंगाली कॉमिक्स फोकस्ड हो गया था, सो आगे इंग्लिश और हिंदी कॉमिक्स ही आएगा ज़्यादातर. कुछ लेसन नोन कॉमिक्स, कुछ अंडररेटेड कॉमिक्स, कुछ वेल नोन कॉमिक्स और कुछ न्यूली रिलीज्ड कॉमिक्स के साथ मैं आप सबके सामने वापस आऊँगा दोस्तों. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.